नमस्ते, एनबीटी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आईपीएल के पिछले दो मैचों में कुल 3 शतक और रनों का अंबार लगने के बाद 17 अप्रैल की रात एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। पिछले 2 सीजन की फाइनलिस्ट टीम गुजरात टाइटंस टूर्नामेंट के अपने सबसे न्यूनतम स्कोर यानी 89 रन पर ऑल आउट हो गई। अपनी कातिलाना गेंदबाजी के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 9वें ओवर में 67 गेंद रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन इस छोटे लक्ष्य को पाने के लिए भी उसने अपने 4 विकेट गंवा दिए। दिल्ली के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान ऋषभ पंत 16 और सुमित कुमार 9 रन बनाकर नाबाद लौटे। गुजरात के लिए संदीप वारियर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपने रन रेट में जबरदस्त सुधार करते हुए पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई और वह 9वें नंबर से टीम सीधे 6ठे स्थान पर पहुंच गई। गुजरात अब 7वें नंबर पर है। दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ गुजरात की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। गुजरात टाइटंस की लचर बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए, जिसमें से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 31 रनों की पारी खेली। गुजरात के लिए टॉप ऑर्डर में साई सुदर्शन ने 12 रन बनाए तो राहुल तेवतिया ने 15 गेंद में 10 रनों का योगदान दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए, जबकि ईशांत और ट्रिस्टन स्टब्स के खाते में 2-2 विकेट आया। वहीं खलील अहमद और अक्षर पटेल की झोली में 1-1 विकेट शामिल रहा। वहीं बात करें इस मुकाबले में टॉस की, तो टॉस का सिक्का दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में उछला। टॉस जीतने के बाद ऋषभ पंत ने पहले बॉलिंग चुनने का फैसला किया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ जब टीम ने दूसरे ही ओवर में विरोधी कप्तान सुमन गिल को निपटा दिया। 11 रन पर गिरे पहले विकेट के बाद तो मानो झड़ी सी लग गई। देखते ही देखते महज 47 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और 17.3 ओवर में 89 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इस तरह इस सीजन में किसी भी टीम का यह सबसे कम स्कोर भी रहा। गुजरात टाइटंस का भी यह आईपीएल में सबसे कम स्कोर है। इससे पहले गुजरात ने अपने लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही बनाया था। संयोग की बात यह है कि गुजरात की टीम ने इसी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ सिर्फ 125 रन के स्कोर पर सिमट गई थी, लेकिन 17वें सीजन के 32वें मैच में 89 रन बनाकर उसने अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को 67 गेंद रहते ही जीत हासिल की और आईपीएल के इतिहास में यह दिल्ली की सबसे बड़ी जीत है, जबकि आईपीएल में यह 7वीं सबसे बड़ी जीत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।